अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज सुबह लाहौर में बहुत ज़्यादा सर्दी है और धुंध है। आप देख सकते हैं किस कदर धुंध पड़ी हुई है। ये सुबह के कुछ मंज़र हैं जो आपसे मैंने शेयर किए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये सब। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। आज हम आपसे शेयर करते हैं झट से तैयार होने वाली दाल चावल की रेसिपी। बहुत आसान सी रेसिपी है, बस 2 मिनट में दाल पक के तैयार। देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रही है, बहुत ही मज़ेदार लजीज बनी है। यहाँ मूंग और मसर की एक पाव दाल मिक्स करके लेंगे और उसको भिगो देंगे 1 घंटे के लिए और बाकी ये जो मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। हम अलग से लहसुन की बघार नहीं लगाएंगे, हम लहसुन इसी में ऐड कर देंगे। यहाँ से हम पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्चें और टमाटर शामिल करेंगे, उनकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब इसमें हम ये सब मसाले शामिल करेंगे। इसमें हम दाल शामिल करेंगे, उसको अच्छे से पकाएंगे, दाल में टेस्ट आ जाए अच्छा सा। तो हमारी दाल पक गई, इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, हमने कुकर में पकानी है, उसमें थोड़ा ही पानी जाता है। 2 मिनट हम कुकर की सीटी चलने देंगे, उसके बाद हम बंद कर लेंगे। यहाँ हमारी दाल बहुत अच्छे से गल गई है, अब इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। हमारी दाल पक के तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार दाल बनी है। आप सब बताइएगा किस किस को ये दाल चावल पसंद है, मुझे तो ये दाल बहुत पसंद है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।